सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपकी अपनी स्टोरी क्या है, क्योंकि आज तक हम आपकी अपनी स्टोरी में जानना चाहूंगी कि आपने कभी चीज़ रिकॉग्नाइज की और आपने किस तरह से चीज़ को एक्सेप्ट किया और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा। मैं 5 साल की थी और मैं प्रेप क्लास के अंदर थी और फैंसी ड्रेस शो होना था और उसमें मैम ने बोला कि फैंसी ड्रेस शो इसमें आप लोग क्या बनना चाहते हैं, और उसमें मैंने जाकर उनको बोला कि मैं एक डांसर बनना चाहती हूँ और मैंने ये वाले कपड़े पहन के ये वाला डांस करना है, क्योंकि बच्चों को डांस पसंद होता है। और वो कोई मिली नगमा था और उसमें मैंने कहा कि मैंने शीशों वाला फ्रॉक पहनना है। और मेरे घर फ़ोन किया गया, दोपहर के टाइम मुझे घर एक मेज़ पे बिठाया गया और बाकायदा एक पूरी इंटरवेंशन हुई, जिससे मुझे बताया गया कि तुमने आइंदा ये बात कभी ज़िंदगी में नहीं करनी कि तुमने लड़की बनना है या कि तुम एक लड़की हो। लेकिन वालदैन तो वालदैन होते हैं, उन्होंने मेरा दिल खुश करने के लिए मुझे एक मेल पॉप डांसर बना दिया और हाथ में एक रेड कलर का वो जो बटन दबाएं तो उसमें म्यूजिक्स बजा करते थे वो वाला पकड़ा दिया, और मेरे कानों में छोटे छोटे 2 डॉट्स बना दिए कि ये तुम्हारी बालियाँ होंगी, और मैं उसी में खुश हो गई। मैंने कहा दिस इज़ गुड इनफ। बट देन एज लाइफ kept on going by, मुझे बारह ये वाली बात बावर कराई जाती थी कि तुम्हारे अंदर लड़कियों वाली आदतें हैं, तुम लड़कियों की तरह हो। और उससे मुझे मार भी पड़ती थी, मुझे कभी स्टोर में बंद किया जाता, कभी गराज में बंद किया जाता, कभी ज़बरदस्ती स्पोर्ट्स के अंदर घुसेड़ा जाता। और इवेंचुअली एक दिन मैंने बैठ के अपनी वालदा को बोला कि एक लड़की की तरह होने में क्या बुरी बात है, एंड शी डिड नॉट हैव एनी आंसर। एनीवेज आई वेंट टू एन ऑल बॉय स्कूल। ऑल बॉय स्कूल के अंदर जाने के बाद जब मेरे ऊपर मल्टीपल रेप अटेम्प्ट्स भी हुई और जब मेरे ऊपर मल्टीपल हवस का मुझे एक निशाना बनाने की कोशिश भी की जाती थी, आई थिंक एक बहुत छोटी एज के अंदर मुझे इस बात का एहसास हो गया था, मल्टीपल तहज्जुदें पढ़ने के बाद और मल्टीपल नमाजों के अंदर सजदा रेज होकर खुदा से दुआ मांगने के बाद कि खुदा करा, ए खुदा मुझे ठीक कर दे, मुझे मर्द बना दे। मगर जब सब कुछ ना हुआ तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये खुदा की कुदरत ने यही फैसला किया हुआ है और मुझे इसको तस्लीम करना चाहिए, एंड आई शुड गेट एज एजुकेटेड एज पॉसिबल एंड एज पावरफुल एज पॉसिबल, कि वो तमाम लोग जो आज मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं कल को वो मुझे सलूट करें और सलाम करें। मैंने ये अपने आप से फैसला किया था कि मैंने अभी एक ज़िद है मेरी कि मैंने इस कन्विक्शन के साथ ये सब कुछ करके दिखाना है, एंड विच इज़ वाई आई वॉज एबल टू टॉप द एंट्रेंस टेस्ट टू अर मेडिकल कॉलेज। आई वॉज फुली फंडेड ऑन अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन माई मेडिकल स्कूल, मुझे अमरीका की फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिली, एंड आई ऑलवेज बिन एबल टू गेट अ गुड जॉब मैंने जब भी अप्लाई किया। और उसकी सिंपल एक वजह यह थी कि मुझे बहुत जल्दी टीनेज में इस बात का एहसास हो गया था कि या तो तुम मरी जाओगी या तुम अमर होगी, और अगर तुमने अमर होना है तो फिर तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे इस बात से एतराज़ भी है, हम एक आम इंसान क्यों नहीं हो सकते, हम में से हर किसी को एक जंगजू मुजाहिद फाइटर बनने की ज़रूरत क्यों है सिर्फ जिंदा रहने के लिए। हम आम इंसान से उसी वक्त बन सकते हैं जब हमारे वालदैन हमें एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करे। जैसे हम अब अपने एक लड़के के साथ अपनी बेटी के साथ खड़े होते हैं, फ़ख्र से कहते हैं कि जी हम अपनी बेटी या अपने बेटे के साथ खड़े हैं, ऐसे ही हमें ट्रांसजेंडर औलाद के साथ भी खड़े होना है ताकि दुनिया में कोई भी आपकी औलाद पर उंगली ना उठा सके, आप खुद उसको मजबूत बनाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।